बीजेपी के आने से ही आपस भाई भाई में झमेला होने लगेगा। मोदी सरकार यह लड़ाई झगड़ा करता है, दंगा फसाद करता है। अग्निग्रह ममता बनर्जी ममता बनर्जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। लगातार माहौल गर्म होता जा रहा है, चुनावी मैदान में सभी लोग उतर चुके हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है कोलकाता की, ये जानने के लिए बतलाने के लिए हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट पहुँचा रहे हैं। और आज कोलकाता के बड़े बाजार में मौजूद हैं बहुत सारे लोग, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में ममता बनर्जी को लोगों की ममता मिलने वाली है या बीजेपी को समर्थन मिलने वाला है, किसको समर्थन? तृणमूल कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। कहे कि दीदी इस जगह पाने के लिए दीदी बहुत कुछ खोकर गई है। दीदी ऐसा एक नेत्री हम लोग का है कि ऐसा मिलना मुश्किल है, कोई नेता नहीं है दीदी के मुकाबले। यहाँ पर काम भी किया है, पूरा देहात ये लगा में हर जगह घर घर तक रोड किया है दीदी, और क्या नहीं किया है, सब हिंदू को भी लेकर चला है, मुस्लिम को भी लेकर चला है। कोई जात को बीजेपी वाला बोलता है कि मुस्लिम लोग लेकर गलत बात बोलता है, वो लोग झगड़ा लगाने वाला बात बोलता है। दीदी मुस्लिम को भी लेकर चलती है, हिंदू को भी चलती है, सबको समान देखने वाली नेत्री है ये। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं चाहता है, कुछ नहीं होगा, अभी और खराब होगा माहौल, और खराब होगा, जो भी माहौल बना हुआ वो भी खराब हो जाएगा। तो बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? बीजेपी के आने से ही आपस भाई भाई में झमेला होने लगेगा, भाई भाई में झमेला होगा, दंगा फसाद होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, ममता बनर्जी के सरकार में यहाँ की औरतें हमारी रात 12 बजे तक ड्यूटी करती है, कॉल सेंटर में नौकरी करती है, वर्धमान तक आती जाती है। बाकी बीजेपी मोदी के सरकार में आने से जिस तरह का दिल्ली का हाल है, वैसे पश्चिम बंगाल की हाल होगी। मोदी सरकार यहाँ लड़ाई झगड़ा करता है, दंगा फसाद करता है, इसलिए बताता हूँ कि माँ माटी का सरकार भी ममता बनर्जी का ही सरकार रहेगा, अभिषेक बनर्जी का ही सरकार रहेगा। अग्निग्रह ममता बनर्जी ममता बनर्जी ठीक है। अब देखा आपने कितना खेला हो, तो साफ तौर पर यहाँ की जनता अंदेशा दे दे रही है कि जब इलेक्शन का यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होने वाला है, ये आपने सुन लिया है। लेकिन और बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा है, बीजेपी बार बार ये बोल रही है, जो 70 साल में बंगाल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाएंगे। चैलेंज है बीजेपी का, ये बीजेपी कह रही है। हाँ जरूर, वो 5 साल में ऐसा कर देगा कि जो 70 साल में नहीं हुआ है, वो 70 साल में नहीं हुआ है। बीजेपी का सरकार तो सेंटर में, वो सेंटर में रहकर बंगाल का विकास नहीं कर सकती है क्या? बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है? अगर बंगाल का विकास करना है तो वो सेंटर में बैठ कर भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो सेंटर में बैठ कर बंगाल का विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ममता दीदी से आप सभी लोग खुश हैं उनके काम से? हम लोग खुश नहीं है, पूरा पश्चिम बंगाल खुश है, पूरा पश्चिम बंगाल खुश है, हमारे छोटे छोटे बच्चे खुश है, माताएं बहनें खुश है। आज 100 दिन से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, 100 दिन हो गए आज किसान के आंदोलन, उनसे मोदी को मिलने का समय नहीं है, अमित शाह को उनसे मिलने का समय नहीं है, किसान देश का हिस्सा नहीं है, बताइए। ये सवाल पूछने के लिए कोई मीडिया मोदी के पास नहीं जाता, 100 दिन हो गया है। नहीं, किसान आप हमारे चैनल पे जाइए, निष्पक्ष तौर पे लगातार एक महीने से कवरेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही के यहाँ के बच्चे हैं जो SSC परीक्षा केंद्र सरकार उनकी नहीं सुनवाई कर रही है, आप ही के लड़के लड़कियां अभी इस टाइम दिल्ली में मौजूद है, लगातार हमारी कवरेज है। आप अभी खोलिए और अभी देखिए, ये मेरा वादा है कि निष्पक्ष तौर पे खबर दिखाते हैं। और मीडिया जैसे हो गया, जी न्यूज हो गया, आपको NDTV हो गया, इंडिया न्यूज हो गया, इसमें कोई ना किसान के बारे में दिखाया जाता है, ना देश के गरीब किसानों के बारे में दिखाया जाता है, ना किसी और के बारे में, सिर्फ मोदी 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 और मोदी मोदी के अलावा कुछ नहीं। सब न्यूज वाला को पैसा देकर खरीद लिया है मोदी। किसने खरीदा? नरेंद्र मोदी, बीजेपी वाला खरीद लिया है। अमित शाह खरीदा, राजनाथ सिंह खरीदा, आदित्य योगी जी खरीदा। में हम लोग को 200 ऊपर प्लस सीट आने वाला है TMC का, 200 प्लस। और अगर बीजेपी का आ गया तो बीजेपी नहीं आएगा। बीजेपी का सुप्रा साहब, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, वो 294 पहले कैंडिडेट देता है। अग्नि कन्या, हम लोग माँ दुर्गा की तरह उनको पूछते हैं,
ममता बनर्जी को यहाँ का बंगाल का पब्लिक पूछता है। चलिए, इतना मोह माया हमने देखा, दीदी के लिए बहुत प्यार बहुत सम्मान है इनके मन में, ऐसे काम गिनाइए दीदी के लिए जो देश की जनता पश्चिम बंगाल के अलावा और सुने, क्योंकि बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है दीदी के लिए, कुछ काम गिनाइए। दीदी का काम है कि देखिए, आप देहाती इलाके में जाइएगा, पहले हम लोग सीपीएम काल में जब सीपीएम का सरकार था तो आप जाइएगा देहाती इलाका में, जैसे हुगली हुआ अंदर में, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे तो कच्चा रोड था, चलने पर आदमी को पानी इतना लगता था पानी। अभी जाकर देखिए घर तक रोड हो गया है, ढलाई हो गया पढ़ाई, ये शिक्षा के डिपार्टमेंट में भी दीदी ने बहुत काम किया है, कन्याश्री बहुत काम किया है बच्चों को, शिक्षा के नाम से याद आया, पीएम मोदी ये बोल रहे हैं कि हम बंगाल में आएंगे, शिक्षा हॉस्पिटल से लेके हर एक चीज दी जाएगी लोगों को। झूठे वादे हैं मोदी जी का, बीजेपी जातिवाद पार्टी है, बीजेपी का फुल फॉर्म भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी भारत जलाओ पार्टी। मोदी क्या किया देश के लिए आप ही बताइए, ममता बनर्जी जिंदाबाद, खेला हो बे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत समर्थन है यहाँ पर, ठीक है नरेंद्र मोदी को बाय, जिस तरीके से आपने देखा कि खेला होवे के नारे बड़े बाजार में लग रहे हैं, तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी का समर्थन यहाँ पर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर मौजूदा स्थिति बन रही है। एक महीना हम यहाँ पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।